नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों, इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, अपना कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर चल रहा था और इस कोडिंग डिकोडिंग में अब तक अपन ने देखो सबसे पहले पढ़ी थी अक्षर का कोड अक्षर के रूप में, दूसरी टाइप पढ़ी अपन ने क्रॉसिंग कोडिंग, फिर इसके बाद में तीसरी टाइप पढ़ी थी अपन ने फिक्स कोडिंग, फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ी थी फिक्स कोडिंग के बाद में बताओ कौन सी क्रम परिवर्तन से संबंधित, पांचवी टाइप पढ़ी अपन ने शब्द का कोड शब्द के रूप में, फिर इसके बाद में हमने छठी टाइप पढ़ी वाक्य का कोड वाक्य के रूप में। आज अपन इसके सातवीं टाइप के बारे में चर्चा करने वाले हैं और सातवीं जो टाइप है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। उस सातवीं टाइप का नाम है अक्षर का कोड संख्या के रूप में, अक्षर का कोड संख्या के रूप में। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है। अब ये होता क्या है अक्षर का कोड संख्या के रूप में, तो देखो मैं शुरू से आपसे बोल रहा हूँ कि आपको अल्फाबेट याद होनी चाहिए, अक्षर किस प्रकार से याद होनी चाहिए, कौन सा अक्षर किस क्रमांक पर है, सीधे से भी और विपरीत से भी। मैं एक ही एग्जाम्पल से आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ। देखो एग्जाम्पल है परी, ये पापा की परी को ले लिया अपन ने, ये जो परी है इससे मैं सारे एग्जाम्पल आपको समझा दूंगा। इसी प्रकार से आते हैं, देखो कैसे कैसे लिखेगा ये। अब अक्षर का कोड संख्या के रूप में बताओ किसके रूप में लिखेगा, संख्या के रूप में। तो बताओ P होता है 16 नंबर पे, A 1 पे है, R 18 पे है, I 9 नंबर पे। ये बीच में डैश का निशान मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, एग्जाम में ये नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो देखो परी को इस प्रकार से लिख सकता है वो, यानी सीधे जैसे क्रमांक दे रखे हैं वैसे के वैसे ये लिख सकता है। दूसरा इस परी को वो कैसे लिख सकता है भाई, तो यहाँ देखो ये जो सीधे क्रमांक है उन सब का योग कर सकता है, ये 16 और 1 17, 17 और 18 बताओ कितने हो गए हैं, तो 35, 35 और 9 हो गए 44। तो इस परी को बताओ क्या लिखा जा सकता है, 44। और इस परी को और क्या लिख सकता है, तो देखो इस परी को वो ये लिख सकता है कि 44 है, इनको भी एक अक्षर का बनाना है, तो 4 और 4 8, यानी जब तक मान एक अक्षर का नहीं हो जाए तब तक जोड़ता चलेगा। इस परी को वो 8 भी लिख सकता है, और इस परी को क्या लिख सकता है वो, 44 हुआ। अब इस 44 में देखो 1 2 3 4, 4 अक्षर है, तो 44 में 4 का भाग देके 11 लिख सकता है। बताओ इस परी को क्या लिखा जा सकता है, 11। और इस परी को क्या लिख सकता है, तो यहाँ जो भी अक्षर थे सबका योग किया और एक अक्षर का जैसे ही बना, जिनकी इतनी संख्या थी उसका भाग दे दिया, जितने भी स्वर हैं उनका भाग दे दिया। तो बताओ कितने स्वर हैं, ए ई आई ओ यू, ये स्वर होते हैं, इसका मतलब दो स्वर है इसमें, तो ये 8 में 2 का भाग देगा, तो इसको 4 भी लिख सकता है परी को, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं परी को वो लिख सकता है, और देखो इस परी को वो कैसे लिख सकता है, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट तरीके हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ अब देखो दो अंक का जो भी होगा उसको आपस में जोड़ देगा, ये चाहे गुणा कर सकता है, ये चाहे घटा भी सकता है, तो 6 और 1 7, एक अकेला है इसलिए ऐसे कैसे लिखा, 8 और 1 9, और ये भी 9, तो परी को ये भी कूटबद्ध किया जा सकता है। और परी को किस प्रकार से लिख सकता है भाई, हैं तो देखो ऐसे भी लिख सकता है, 6 को 1 से गुणा किया 6, 1 ऐसे कैसे, 8 को 1 से गुणा किया 8, और 9 ऐसे कैसे, तो ये भी परी को लिखा जा सकता है। ऐसे देखो दो अंक का जो भी हो आपस में घटा सकता है, 6 में से 1 घटाया 5 लिख दिया, 1 ऐसे कैसे लिखा, ये 2 अंक का है, 8 में से 1 घटाया 7 लिख दिया और फिर 9 लिख दिया, तो इस प्रकार से ऐसे भी वो परी को लिख सकता है, ठीक है। ऐसे ही वो देखो परी को विपरीत क्रम में भी लिख सकता है भाई, कैसे, ये है परी। अब P का अपोजिट आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको शुरुआत में विपरीत अक्षर याद करवाए हैं, तो बताओ P का अपोजिट होता है K, तो K होता है 11 नंबर पे, तो बताओ इसको क्या लिख देगा वो, 11। A का अपोजिट होता है Z, जिसको लिखेगा 26। R का अपोजिट I होता है 9 नंबर पे, I का अपोजिट R होता है 18 नंबर पे, ये लिख देगा उसको,
ठीक है, और परी को क्या लिख सकता है? अब देखो जो भी दो अक्षर का है उसको जोड़ के एक अक्षर का बना, एक अंक का बना सकता है, घटा के बना सकता है, आपस में गुणा करके बना सकता है, कैसे भी बना सकता है ये। तो एक और एक दो, छः और दो आठ, नौ, आठ और एक नौ, तो 2899 भी परी को लिख सकता है। और बताओ इस परी को क्या लिख सकता है वो? तो देखो यहाँ जो विपरीत अक्षर हैं उन सब का योग करके भी लिख सकता है, या इनको आपस में गुणा करके एक एक अंक का बना के भी लिख सकता है, घटा के भी लिख सकता है, वो इसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो कितने हो गए हम? तो देखो हम 11 और तो यहाँ देखो सबसे पहले इसको जोड़ लेते, चलो इस तरफ से 18 और 9 कितने हो गए? 27 और ये कितने हैं अपने? 26, तो 27 और 26 हो गए 53, और 53 में 11 ऐड करूँगा तो ये हो गया 64। तो बताओ परी को क्या लिख सकता है? 64 भी लिख सकता है। और क्या लिख सकता है इस परी को? जब तक जोड़ते चलेगा जब तक एक अंक का नहीं आ जाए। तो 6 और 4 10, अब 10 में भी एक और जीरो आ रहा है, तो इसको जोड़ के परी को सिर्फ एक भी लिख सकता है। ध्यान रखना, जब 3-4 अंक का शब्द हो और उसको एक ही अंक में लिखे, इसका मतलब वो जोड़ते गया कुछ घटाते गया, ऐसे करके वो लिखेगा अंत में। और इस परी को क्या लिख सकता है? तो यहाँ योग 64 आया, हम तो इनकी संख्या बताओ कितनी है? 4 है, तो 64 में 4 का भाग दो, तो 4 एकम 4 और कितने बच गए? 2, 24, 4, 6, 24। तो बताओ परी को क्या लिखा जा सकता है? 16 भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से परी को वो कैसे भी लिख सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपके काम में आने वाला है, ठीक है? तो ले लिया। अब देखो ये मैंने आपको जो सारे तरीके बताए सिर्फ एक एग्जाम्पल से समझाए, अब मैं इससे संबंधित ही आपको सवाल हल करवाऊंगा। देखना जो सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं उनसे मिलते ही, यानी इनसे मिलते जुलते ही सारे सवाल आएंगे, लगभग सारे इसी में से मिलेंगे। चेक करते हैं, चलो जैसे देखो ये अपना सवाल है, कौन सा है? 49। ठीक है, और 49 से 53 तक आज अपन ये सारे सवाल हल करने वाले हैं। 5 सवाल आज के हल करेंगे अपन। देखो यदि फॉक्स को 45 कॉर्ड दिया जाता है तो बॉक्स का कॉर्ड क्या होगा? अब देखो यहाँ साइड में समझा देता हूँ मैं, फॉक्स है, फॉक्स को लिखा इसने कितना भाई? 45। अपन से पूछा कि बॉक्स को क्या लिखा जाएगा, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखो भाई इसने 45 इसको कैसे लिखा, तो आपको जो तरीका लगाना है वो सबसे पहले सीधे क्रम का लगाना है। कौन से क्रम का? सीधे क्रम का। देखो कैसे, नंबर लिखो, एप होता है 6 नंबर पे, ओ होता है 15 पे, एक्स होता है 24 पे, तो जोड़ो इनको। तो देखो 5 और 4 9 और 6 कितने हो गए हैं? तो 15। 2 और 1 3 और 1 4 यानी 45 हो गया सभी का योग किया। तो इसका मतलब ये जो बॉक्स है इसमें भी अपन सभी अक्षरों का योग करेंगे अपन। तो देखो ये हो गया, ओ हो गया 15 नंबर पे, एक्स हो गया 24 पे, क्लियर है? तो सबका योग करेंगे, तो 24 और 2 कितने हो गए? 26। 26 और 5 31 और 10 41। तो बताओ बॉक्स को क्या लिखा जाएगा? 41। तो हमारा जो आंसर होगा भाई वो आंसर हो जाएगा 41। आ गई बात समझ में? इस प्रकार से अपन प्रश्नों को हल करते हैं। कभी विपरीत क्रम में लिख के योग करेगा, कभी सीधे क्रम में लिखेगा, कभी किसी का भाग दे देगा। तो मैंने एक जो एग्जाम्पल आपको समझाया उसमें ये किसी भी तरीके से हल कर सकता है। देखो 50वां सिंगल को इसने लिखा है 66। क्या लिखा है? 66। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, ये है सिंगल, इसको लिखा इसने 66। तो विंकल को क्या लिखा जाएगा हम ये देखते हैं। तो सबसे पहला काम तो एक ही करना है कि आपको सभी पे नंबर लिखने हैं। तो देखो नंबर लिखेंगे एस 19 पे, आई 9 पे, एन 14 पे, जी 7 पे, एल 12 पे, ई 5 पे, ठीक है?
एक बार सबका योग करके देखो, सबका योग 66 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो सबका योग करते हैं तो 12 और 5 कितने हो गए भाई, 17। 17 और 7 24, 24 और 4 हो गए 28, 28 और 10 कितने हो गए 38, 38 और 9, तो बताओ 38 और 9 कितने होते हैं, तो ये हो गए 47, 47, ठीक है 47। और ये बताओ कितने हैं 19 है, तो 47 और 19 बताओ कितने हो गए, ये हो गए 66। इसका मतलब सीधे अक्षरों का योग किया गया है, तो अपन को भी क्या करना है, योग कर देंगे। तो W हो गया 13 नंबर पे, I हो गया 9 पे, N हो गया 14 पे, K हो गया 11 पे, L 12 पे, E 5 पे, ठीक है। तो सभी का योग करेंगे तो देखो हम 12 और 5 17, 17 और 1 हो गया 18, 18 और 10 28, 28 और 4 32, 32 और 10 हो गए 42, 42 और 9, तो 42 और 9 हो गए भाई कितना हो गए, ये हो गए 42 और 9 41, 41 और 3 ये हो गए कितने, यानी 41, 41 में 3 जोड़ूंगा 44 और ये 10 54। तो इसका जो योग आया बताओ कितना आया, 54 तो ऑप्शन में ही नहीं है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या अपन ने कहीं ना कहीं। चेक करते हैं W, सॉरी 13 नंबर पे नहीं होता है, M होता है, यही तो बात है। W बताओ कितने नंबर पे होता है 23 पे, I 9 पे, N 14, K 11, L 12, E 5। अब सही, अब देखो वापस जोड़ते हैं अपन तो 12 और 5 17, 17 और 11 कितने हो गए हैं, ये हो गए 28, 28 और 4 32, 32 और 10 42, 42 और 9 हो गए बताओ कितने, तो 42 और 9 51, 51 और 3 हो गए अपने कितने बहिम, तो ये हो गए 54 और 54 और 20, 20 कितने हो गए, तो ये हो गए कितने 74। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी 74 कितना आएगा, इन सभी का योग किया तो 74, ठीक है। तुरंत समझ जाना है कि अक्षर का कोड संख्या के रूप में दे रखा है तो आपस में जोड़ेगा, घटाएगा या अंतर करेगा, भाग देगा, कभी गुणा करेगा, वो सारी चीज़ें कोई से भी नियम लग सकते हैं, ठीक है। तो अपने दो सवाल हल हो गए, अब देखो नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं अपन, 51वां, बहुत अच्छा सवाल है। देखो 51 में क्या कह रहा है अपन से भाई, ए बराबर 26। देखो इसी लाइन से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, ए एक नंबर पे होता है या 26 नंबर पे, एक नंबर पे होता है, लेकिन ए का अपोजिट होता है जेड और वो होता है 26 नंबर पे। अब इसने ए को सीधे नहीं लिखा, इसने उल्टा लिख दिया ए का, इससे हमें ये पता लग गया कि अगले जो भी मान होंगे उनको हम सीधे क्रम में नहीं लिखेंगे, उनको हम उल्टे क्रम में लिखेंगे, इस बात का इशारा इस लाइन से हमको मिल गया, ठीक है। आगे देखो सन, तो ये लिखा मैंने सन, इसको लिखा बताओ इसने कितना भाई 27, ठीक है। अब देखो इस सन को इसने 27 ही कैसे लिखा, तो वही काम करना सबसे पहले, तो विपरीत, तो एस का अपोजिट बताओ होता है एच, वो 8 नंबर पे। अब कईयों को तो विपरीत याद नहीं है, तो शुरू स्टार्टिंग का वीडियो देख लेना, मैंने विपरीत अक्षर आपको याद करवा दिए हैं। तो एस बताओ हम, एस का एच होता है, यू का होता है एफ जो 6 नंबर पे, एन का होता है एम जो 13 पे, तो 13 6 19, 19 और 8 बताओ कितने हो गए 27। इसका मतलब विपरीत अक्षरों का योग किया गया है। तो हम भी बताओ इसके विपरीत अक्षरों का क्या करेंगे, कैट के योग करेंगे, तो ये लिखा मैंने कैट, इसके विपरीत अक्षरों का योग करना है, तो सी का अपोजिट बताओ क्या होता है, बताया था एक्स, तो एक्स होगा 24 नंबर पे, ए का अपोजिट होता है जेड जो होता है 6 नंबर पे, और टी का अपोजिट बताओ क्या होगा जी, और जी कितने नंबर पे हैं 7 नंबर पे, सभी का योग करो भाई, तो 24, 24 और 6 हो गए 30 और 20 50, 50 और 7 57, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 57। बताओ कैट को क्या लिखा जाएगा 57, मज़ा आ रहा है हल करने में, तो 57 कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा सवाल, 51वां सवाल। चलो हम नेक्स्ट अगले सवाल को देखते हैं, देखो 52वां सवाल, ये बराबर है बीच में यहाँ 52, क्या कह रहा है भाई 52 में,
यदि ओ बराबर 12। अब देखो ओ बराबर क्या लिख रहा है, ये 12 लिख रहा है। सबसे पहले तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, ओ 12 नंबर पे होता है क्या? नहीं होता है। कितने नंबर पे? 15 पे। लेकिन ओ का अपोजिट होता है क्या? एल। बताया था लव मैंने, तो एल, और एल होता है कितने नंबर पे? 12 नंबर पे। इससे हमें ये पता लग गया कि विपरीत ले रहा है भाई। ठीक है, आगे हमको विपरीत ही लेने हैं। अब देखो फोर, फोर को बताओ क्या लिख रहा है ये। तो फोर को लिख रहा है ये 42। कितना लिख रहा है? 42। क्लियर है। और इसके बाद में फ्रंट को क्या लिखा जाएगा? तो ये सेम इसके जैसा ही है, पिछला वाला मैंने बताया उसके जैसा है या नहीं है, 51 के जैसा। तो ये 52 आपको हल करना है, ये आपका होमवर्क है। मैंने आपको बता दिया, इशारा दे दिया कि इसमें विपरीत अक्षर के हिसाब से हल करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा, 53। देखो ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखो 53 आज का आखिरी सवाल, फिर बाकी इसके सवाल अपन कल की क्लास में देखेंगे। ये देखो हम HAZI, इसको लिख रहा है ये, यहाँ लिख देता हूँ, चलो HAZI। बताओ इसको क्या लिख रहा है ये? 81269। तो STRATA, इसको क्या लिखा जाएगा? ठीक है, अब देखो H होता है 8 नंबर पे, इसने 8 लिखा। A होता है 1 नंबर पे, 1 लिख दिया। Z होता है 26 नंबर पे, तो Z का मान लिख दिया। I होता है 9 नंबर पे, इसने ऐसे कैसे लिखा? इसका मतलब बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, जैसे है वैसे के वैसे नंबर लिख देने हैं। तो S 19 नंबर पे, T होता है 20 पे, R होता है 18 पे, A होता है 1 पे, फिर ये कौन सा है STRA, ये कहाँ गया, फिर ये T है, TA, T होता है 20 पे और A होता है 1 नंबर पे। तो ऐसी जो संख्या है वो बताओ कहाँ है? तो ये वाला हो नहीं सकता, 18, 20, 181, 201। तो ऑप्शन नंबर B जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अक्षर का कोड संख्या के रूप में। बाकी इसी टाइप के जो सवाल बचे हैं अपने, वो अपन अपनी अगली क्लास में देखेंगे। तब तक आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।